पिछले कुछ दिनों से जारी कपास व्यवसायियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण किसानों को दोहरी कठिनाई से जूझना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन के अंदर कपास की खरीदी बंद होने के कारण कपास मंडी में किसान नहीं ला पा रहे। कपास की आवक नहीं होने के कारण मंडी में कामकाज पूरी तरह से ठप है। कपास व्यवसायियों की हड़ताल के कारण जीनिंग और श्रमिकों के सामने बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। मंडी बंद होने के कारण किसान अपने घरों और परिसरों में कपास की उपज को सहेजने में लगे हैं। दरअसल लगातार बारिश के होने के कारण खेतों में कपास की चिनाई भी नहीं हो पा रही। कपास के पौधों, जड़ों व घेटों में सड़न लग गई है, जिसके कारण कपास का उत्पादन 30 से 40 फीसदी कम होने की आशंका है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में कपास के भाव में उछाल देखने को मिला था, जिसके कारण इस वर्ष क्षेत्र में कपास का रकबा बढ़ा और शुरुआती दौर में कपास की उपज बेहतर स्थिति में थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण किसानों को और परेशानी में डाल दिया है। बारिश के कारण कपास की फसल खराब हो चुकी है। मजदूर न मिलने के कारण समय पर कपास की चुनाई भी नहीं हो पाई। वहीं लगातार त्योहार के चलते मंडी भी बंद रही, जिसके कारण किसान अपनी उपज मंडियों में नहीं ला पा रहा है। कई किसानों के कपास में नमी भी देखने को मिल रही है, जिसके कारण भाव कम मिलने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं व्यापारियों की हड़ताल के कारण मंडी में कपास का क्रय विक्रय बिल्कुल बंद हो चुका है, जिसके कारण किसानों पर दोहरी मार पड़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।